अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद मूमल। उम्मीद करती हूँ मैं तमाम व्यूवर्स खैर वाफियत के साथ होंगे। जी हाँ, आज की खैर वाफियत के साथ हमारा सेकंड डे भी बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा की तरह जैसे ईद गुजरती आई है, सो आज का दिन भी हमारा बहुत अच्छा गुजर रहा है। और आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ कि आज हमने क्या किया। आज मेरी काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह आई हुई थी, तो उनके साथ हम लोगों ने बैठे एक साथ खाना खाया। सो मेरी फ्रेंड्स वगैरह आई हुई थी, उनके साथ हमने काफ़ी इंजॉय किया। और बस ईद का दिन ऐसे ही काम काज में गुजरा, यू नो ये वाली ईद तो ऐसे ही गुजरती है। सो आज मैंने सोचा मैं अपने व्यूवर्स के साथ कुछ ऐसा व्लॉग करूँ जो उनको वाकई पसंद आए। सो आज मैंने सोचा क्यों ना आज मैं जो है बच्चों का इंटरव्यू लूँ कि बच्चों से पूछते हैं। यू नो बच्चे तो आपको पता सबके फेवरेट होते हैं और सबको तकरीबन अच्छे लगते हैं। सो यू नो आज मैंने सोचा बच्चों के साथ हम इंटरव्यू लेंगे, उनसे टॉकिंग वे करेंगे किस तरीके से उन लोगों ने अपनी ईद सेलिब्रेट करी और उनको कैसा लगा। सो जी चले जी आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। होप यू ऑल लाइक माई वीडियो अलोट यू नो डिट। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला मेरा हर लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। और हेलो व्यूवर्स, तो सबसे पहले हमारे साथ जो है बच्ची है कोमल। सो अब हम कोमल से बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी ईद कैसी गुजरी। तो कोमल आप हमें बताइए आपकी ईद कैसी गुजरी और आपने कैसे सेलिब्रेट किया, आपकी ईद में मज़ा आया या नहीं आया। पहले दिन तो कुर्बानी वगैरह हुई, हाँ मैं थोड़ा बिजी रहे और मुझे थोड़ा बुखार वगैरह था, हाँ तो अब तो अल्लाह का शुक्र बेहतर है। तो आज मैं तैयार हुई, दो दिन से मैं तैयार नहीं हुई थी। सही, आज आप अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह, क्यूट लग रही हैं आप। तो आज मैं आई आपके घर। हाँ, और इसके अलावा आपको मज़ा आया ईद पे? काफ़ी इन्जॉय किया और अपने पैसे भी थोड़े बहुत जमा किए हैं। सो मनाहिल से भी हमारे
बातचीत हो गई है। अब मैं दूसरी बच्ची के व्यूअर्स जो है अब हमारे साथ रुबाब है, रुबाब से इंटरव्यू लेते हैं, इनसे पूछते हैं आपकी ईद कैसी गुजरी। रुबाब आप बताओ आपकी ईद कैसी गुजरी है, कैसे आपने सेलिब्रेट किया ईद का दिन? अच्छी गुजरी है। और आपने क्या क्या खाया, क्या पिया, कैसे गुजरी? क्या क्या खाए बताइए। That's good. और बताया आपने मीट में क्या क्या खाया, बिरयानी, गोल मांस, जरदा, क्या क्या खाया आपने? पुलाव। पुलाव खाया, पुलाव कैसा था? अच्छा था। मजा आया ईद पे खाकर? हाँ। कुर्बानी होते हुए देखी आप लोगों ने? हाँ। गली में देखा था आप लोगों ने? स्केयर तो नहीं हो रहे थे देख के आप लोग? नहीं। यानी मजा फुल आप लोगों ने किया है ईद पे, है ना? हाँ। सही। अच्छा जी, और बताओ ईदी वीदी मिली? बारबेक्यू की दावत में आए, सो इनके लिए बारबेक्यू बन रहा है। सो आज जो है मेरे भाई ने लोगों की दावत की है, सो वो बारबेक्यू का जो है सामान जो है बना रहे हैं। आज वो उनके लिए जो है गोला कबाब बना रहे हैं और क्या बना रहे हैं, सीख बोटी बना रहे हैं। सो ये उनकी दावत में आई है और वो इंजॉय करने वाली है। सो अब हमारे पास रह गई हैं दो के व्यूअर्स, तो अब हमारे साथ दो बच्चे और मौजूद हैं, इसमें से एक जो है ये है छोटी वाली का नाम है माहीन। माहीन हाई करो व्यूअर्स को, हाई करो, बोलो ईद मुबारक, बोलो ईद मुबारक। सो अब ये छोटी हैं और ये शर्मा रही हैं और इनके साथ जो है ये है महानूर। सो अब हम दोनों बच्चों से टॉक करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करी। सो आप बताइए महानूर आपकी ईद कैसी गुजरी है, आप दूसरा दिन है आज ईद का? मेरी ईद तो बहुत अच्छी गुजरी, हम गाय करते हुए देखने गए थे सब। गाय करते हुए देखने तो अच्छी गुजरती है ईद जी, हमने बहुत इंजॉय करा। हाँ, और आप बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी? उनकी रोते रोते। अच्छा जी, तो छोटी वाली बच्ची तो काफ़ी शाय हो रही है। सो आप बताएं महानूर आपको ईदी वगैरह मिली थी ईद पे? जी मामू ने दी थी। डेट्स गुड। आपने ईदी का क्या किया? हमने रखी हुई है। रखी हुई है, सो खाई नहीं है आपने? मैं अभी कुछ खाने का दिल नहीं था। खाने का बहुत देर देख के आपका दिल खराब हो गया जी। सही। सो भाई अब आप महानूर से भी मिली है और छोटी वाली से भी मिली है, छोटी वाली को हाई करवाओ, हाई करो व्यूअर्स को, हाय, ईद मुबारक बोलो, ईद मुबारक, ईद मुबारक। सो व्यूअर्स आपसे मैंने तमाम बच्चों को जो है मिलवाया और मैंने भी आज बहुत मज़ा किया अपनी फ्रेंड्स के साथ। हम लोगों ने काफ़ी डांस किया, खाना खाया, ये वो, यानी फुल इन्जॉय किया। यानी कल के मुकाबले जो आज का मेरा दिन था माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। सो थोड़ा बहुत मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ और आप लोगों ने मुझसे फरमाइश की थी कि आप मुमल अपना घर भी हमें शो ऑफ करो, तो थोड़ा बहुत मैं आपको अपना घर भी शो ऑफ करती हूँ, इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। सो आई होप कि अब हम बाहर आ गए हैं। सो अब ये हमारा बाहर का मंज़र है। सो अभी हम लोगों का घर जो है ना ये बनेगा। सो ये मेरे अब्बू का रूम है, यहाँ मेरे अब्बू सोया करते थे ना, तो अब तो मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया है। सो ये मेरे अब्बू की मसेरी है, यहाँ पे मेरे अब्बू सोते थे और ये मेरा भाई बैठा हुआ है, ये अपना मोबाइल चला रहा है। और बस ये हमारे पीछे का हिस्से, ऐसी गैलरी छोड़ी हुई हमने, और दिखाती हूँ मैं अपना रूम भी शो आउट करती हूँ। मेरा रूम इतना अच्छा नहीं है, मेरा अभी जो है ना मेरी फ्रेंड्स आई हुई थी, मेरे रूम की हालत देखो, अभी हम लोगों ने डांस किया, हमने इतनी मस्ती मजाक किया ना, पूरा मेरे रूम की हालत देखो कितनी ही गंदी हो गई है। सो इंशाल्लाह अभी बहुत जल्द दुआ करो मैं अपना रूम बनवाऊँ और बस जॉब चलती रहे। ये मेरा रूम है और मैं आ जाऊँ किचन दिखाती हूँ दूसरा वाला अपना, ये हमारा किचन है। और अभी मेरी फ्रेंड्स आई हुई थी, ये देखो कितने सारे पोर्ट्स गंदे हो गए, ये अभी हम लोगों ने खाना खाया था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी थी, मैंने बिरयानी बनाई थी और ये सब बनाई थी मेरी चीज़ें। सो अभी यहाँ पर इतना फैलावा हो रहा है, आ जाओ। और सहन दिखाती हूँ, ये हमारा यहाँ का दरवाज़ा है बाहर का, ये मोटर पड़ी हुई है, ये हमारा, ये मेरे भाभी का रूम है और ये बच्चे लोग खेल रहे हैं। और ये देखो हमारा ये बाहर का मंज़र, ये बच्चे आए हुए। सो ये है, और इसके अलावा ये हम कपड़े वगैरह वॉश कर रहे थे, आज हमने कपड़े वॉश किए थे। और ये हमारा दरख्त है और ये कोमल खड़ी हुई है, कोमल हाई करो,
तो बस ये हमारा छोटा सा घर है और मैं अपनी भाभी का भी आप लोगों को रूम शो ऑफ करती हूँ। सो ये मेरी भाभी का रूम है। तो बस हमारा ये छोटा सा ही घर है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अपना घर है, जैसा भी है किसी के मोहताज ही नहीं है, किराए पे तो कम से कम नहीं रहते। तो बस ये अल्लाह का एहसान है, बस अल्लाह ताला पैसे देगा इतना तो फिर बना लें। और ये वाला एक गेट, हमारे दो दरवाजे हैं, माशाल्लाह जगह जगह तो है हमारे पास, लेकिन ना आपको पता है बड़ा घर बनवाने के लिए पैसे भी ज़्यादा चाहिए, तो अभी हम लोगों के पास इतना पैसे नहीं है। बस दुआ करो कि अल्लाह ताला इतना दे और हम लोग जल्दी से बनवाएं, बड़ा घर है तो ज़ाहिर है पैसे भी ज़्यादा ही चाहिए। सो एक हमारा ये वाला रूम है और दिखा, ओ या अल्लाह, और एक हमारा ये रूम है। और काफ़ी लोगों ने कहा था कि मुमल आप हमें अपना घर शो ऑफ करो कि आपका कैसा घर है, तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और हमारे घर में दो किचन है, सो एक ये भी हमारा किचन है और दूसरा वाला किचन भी दिखाऊंगी आपको मैं, जहाँ पे मैं अक्सर कुकिंग वगैरह कर रही होती हूँ। सो चलो आउट ऑफ व्यू का मंजर दिखाते हैं आपको। ओके सो व्यूअर्स, ये हमारा सहन है। सो आप लोगों ने कहा था कि आप हमें अपना घर शो आउट करना, ये हमारा सहन है और यहाँ पर हम लोग रात में सोते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है इस वजह से रात में हम लोग यहाँ पर सोते हैं इस सहन में, लाइट वगैरह नहीं होती ना तो फिर इधर ही हम लोग सो जाते हैं रात में। ओके व्यूअर्स, सो आज का व्लॉग मेरा कंप्लीट हुआ और आप लोगों ने देखा, आई होप यू विल लाइक इट। सो व्यूअर्स, अब मैं आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ और अगर आज का आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलो, ताकि आने वाला मेरा हर लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। और उसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।